सम्माननीय अभिभावकों, प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडा चारमास ऑनलाइन ऐप जिसका नाम है विवेकानंद नाडा ई लर्निंग ऐप के तहत आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। इसमें आपके ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट भी आपके साप्ताहिक कोर्स हैं या मासिक दोनों लगेंगे और सभी क्लासों की ऑनलाइन कक्षाएं आपकी अति शीघ्र इस ऐप के द्वारा मिलने जा रही हैं। कक्षा एक से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। आप सभी को विदित है, सभी को मालूम है कि 17/2021 के जो भी विद्यार्थी बोर्ड क्लास के अंदर बैठने वाले थे उन सभी की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। अब बोर्ड के द्वारा निर्धारण उनका किया जाएगा, किस प्रकार से उन बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे उनकी सूचना आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन आज से आपकी कक्षा 10 और 12 साइंस के ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो आपकी शुरू हो रही हैं, जिसके अंदर जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी सभी की कक्षाएं आपकी ऑनलाइन लगेंगी। तो समय का आपको सदुपयोग करना है और अपने पढ़ाई के प्रति जागरूकता लेते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखना है। सभी सब्जेक्ट मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी विषयों की आपकी क्लासें हैं वो रेगुलर तरीके से लगेंगी। तो जो भी विद्यार्थी हैं इस विवेकानंद नाडा ई लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर के उसको डाउनलोड करना है और फिर आपको है इसका फीस स्ट्रक्चर है वो सभी आपको पासवर्ड और आईडी नंबर दिए जाएंगे, उससे आपको उसको खोलना है और अपनी पढ़ाई है वो जारी रखना है। क्योंकि इस कोरोना महामारी के तहत इन 2 वर्ष अपने गुजर गए हैं, दोनों वर्षों के अंदर ये 4 मास मैंने जो स्कूलें लगी थी उसके अंदर अब आपके आने वाला समय है इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि इस कोरोना की 3री वेव है वो भी आपके आने वाली है। तो इसको देखते हुए ये अभी पता नहीं है कि स्कूलें कब से आपकी लगेंगी, कब से आपकी स्टडी है वो रेगुलर तरीके से आपकी जारी रहेगी। इसके लिए आपका इसी ऐप के तहत आपको अपना अध्यापन कार्य है, अध्ययन कार्य है वह जारी रखना है। तो आज अपन लेकर के आते हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी आपका चेंज हो गया है। 10वीं और 12 दोनों की एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपकी अवेलेबल हैं, बाजार के अंदर भी आ गई हैं, तो आप खरीद लें। और एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अपने आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, वह है सजीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में अपन सभी जानते हैं, जनन के बारे में आप सभी पहले भी अपने जो आपकी छोटी क्लासें थी उनके अंदर भी अपन पढ़ते आए हैं। जनन है क्या, जनन रिप्रोडक्शन है क्या, जनन क्या है रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर है या आपका 2 नंबर का चैप्टर है और 2 नंबर का इसमें से 1 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। इन बोर्ड के अंदर 2 नंबर का ये चैप्टर है और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका पूछा जाएगा। जनन क्या है, सभी सजीव हैं वो जनन करते हैं, जनन क्यों करते हैं सभी जानते हैं, जनन क्यों करते हैं जीव, जीव अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या बचाए रखने के लिए जनन करते हैं। यदि जनन नहीं करेंगे तो उस जीव के विलुप्त होने के साथ ही उस जीव की विलुप्त हो गया। तो जनन के द्वारा
संतति उत्पन्न होती है और एक जीव से ये संतति है पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती रहती है। जनन यहाँ पर इस चैप्टर में जनन पहले अपन पढ़ेंगे। दो प्रकार के जनन होते हैं, एक आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन है, और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन के अंदर कम से कम एक जीव का होना अति आवश्यक है, एक जीव का होना अति आवश्यक है। लैंगिक जनन है या आपके लैंगिक जनन के आधार पर जीव या जो पादप है चाहे आपके जंतु हैं, इनको दो श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। पहले है आपका उभयलिंगी और एक है आपका एकलिंगी। उभयलिंगी किसे कहते हैं? उभयलिंगी क्या है? नाम ये उभयलिंगी यानी जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग की एक ही पादप या जंतु के अंदर पाए जाते हैं तो उसको तो क्या कहते हैं अपने उभयलिंगी के नाम से कहते हैं, या इसको उभयलिंगी कह दो। उभयलिंगी कह दो या इसको अपन क्या कह सकते हैं? द्विलिंगी भी कह सकते हैं, यानी नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव के अंदर उपस्थित हैं, दोनों एक में ही पाए जाते हैं तो उसको अपन उभयलिंगी कहते हैं। और एकलिंगी यानी वे जीव जंतु देखो या बालक देखो जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग जीवों के अंदर यदि पाए जाते हैं, दो अलग अलग जीवों के अंदर पाए जाते हैं तो उसको अपने एकलिंगी जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन मनुष्य है या आपका एकलिंगी के अंदर आता है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, ये सभी आपके एकलिंगी के अंदर आते हैं। लेकिन उभयलिंगी कोई एक उभयलिंगी जीव का आप नाम बता सकते हैं जो उभयलिंगी है जिसके अंदर यानी एक लिंगी तो जिसके अंदर नर एक और मादा जननांग अलग अलग जीवों के अंदर पाए जाते हैं उसको अपन एक लिंगी कहते हैं। उभयलिंगी जिसके अंदर नर वह मादा जननांग दोनों यदि पाए जाते हैं तो उसको अपन उभयलिंगी कहते हैं। तो नर वह मादा जैसे आपका बेटी केंचुआ है, केंचुआ है उसके अंदर है वो अपना केंचुआ है वो आपका क्या है? द्विलिंगी जीव के अंदर आता है। इन्हें नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं इसलिए इसको अपन उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसी प्रकार से आपके पादप भी है, पादप जैसे आवृतबीजी की पादप है, पादपों के अंदर भी नर जननांग पादप के अंदर पुंकेसर है और मादा जननांग के अंदर पादप के अंदर जायन वाला भाग आता है तो दोनों यदि एक ही पादप के अंदर है तो ऐसे पादपों को अपन कौन से पादप कहते हैं? द्विलिंगी जिसके अंदर दोनों एक के अंदर पाए जाते हैं। ज्यादातर अधिकांश जो आवृतबीजी पादप हैं उनके वो सभी पादप किसके अंदर आते हैं? आपके द्विलिंगी के अंदर आते हैं, नर और मादा एक के अंदर ही पाए जाते हैं। यानी जायांग और पुंकेसर वाला भाग है वो आपका एक ही पादप के अंदर पाया जाता है। जैसे सरसों है, गुड़हल है, ये सभी आपके द्विलिंगी के अंदर आते हैं। एकलिंगी पादप कौन से हैं? एकलिंगी पादप जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं तो उनको अपने एकलिंगी पादप के नाम से जानते हैं, एकलिंगी पादप कहते हैं। जैसे अपना तरबूज है ये एकलिंगी के अंदर आता है, यानी नर जननांग और मादा जननांग भी अलग अलग के अंदर पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर और जायांग अलग अलग के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा आपने पपीता देखी होगी, पपीता है वो भी आपका एकलिंगी के अंदर आता है। पपीते के अंदर जिसके अंदर फल लगे हुए हैं, फल जिसके अंदर लगे हुए हैं फल वाला भाग है वह जिस पादप के ऊपर फल लगते हैं पपीता का फल लगा है वह पादप है, उस वह पादप आपका मादा पादप है। और जिसके ऊपर फल नहीं लगते हैं वह पादप जिसके ऊपर यानी पुंकेसर लगते हैं वह पादप है, वह पादप आपका नर पादप कहलाता है। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर और जंतु के अंदर इन दोनों के अंदर जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जीवों के अंदर पाए जाते हैं तो उसको अपन एकलिंगी, और नर जननांग और मादा जननांग दोनों यदि एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं?
द्वारा नए जीवों का निर्माण होना क्या कहलाता है? एलिंगी जन्म कहलाता है। जैसे बेटे अमीबा है, पादों के अंदर भी होता है और जंतु के अंदर भी होता है एलिंगी जनन भी। अमीबा, अमीबा के अंदर आपने देखा होगा अमीबा का आकार है एनिमित आकार के अमीबा का जाति है, यह अमीबा है। तो अमीबा के अंदर एलिंगी जनन है, वो एलिंगी जनन किसके द्वारा संपन्न होता है? यानी इसके खंडन विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा अमीबा के अंदर एलिंगी जनन पाया जाता है। यानी अमीबा एक है, इसके अंदर विभाजन होगा। विभाजन के तहत जिस विधि को हम कहते हैं मेरे द्विविखंडन विधि, कौन सी विधि? द्विविखंडन विधि के द्वारा अमीबा के अंदर एलिंगी जनन पाया जाता है। इसी प्रकार से ईस्ट है, ईस्ट के अंदर मुकुलन के द्वारा मुकुलनुमा संरचना उसके ऊपर आ जाती है और फिर वह अलग हो जाती है, अलग होकर के नव जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे अमीबा है तो अमीबा के अंदर यदि इसके अंदर विखंडन होगा, धीरे धीरे खाद का निर्माण होता रहेगा और ये टूट जाएगा, ये कोशिका का विभाजन होगा, धीरे धीरे केंद्र का विभाजन हो जाता है, केंद्र भी टूट करके केंद्र के ये केंद्र से कितने केंद्र हो जाते हैं, दो केंद्र हो गए। इस प्रकार से दो केंद्र हो गए, इन दोनों दो केंद्र अलग अलग केंद्र टूटते ही कोशिका का अलग अमीबा का निर्माण हो जाएगा। ये पहली अमीबा और ये दूसरी फर्स्ट कोशिका। तो एक जनक अमीबा एक थी, इससे पुत्री अमीबा का निर्माण कितने हो गया? दो अमीबा का निर्माण हो गया। द्विविखंडन विधि के द्वारा अमीबा के अंदर एलिंगी जनन होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे एलिंगी जनन किन किन जीवों के अंदर एलिंगी जनन है, वो किस विधि के द्वारा होता है, और सभी जीव है उनके अंदर जनन की अवधि अलग अलग होती है, सभी के अंदर सेम नहीं होती है, ये सभी के अंदर समान होती है। जैसे मानव है तो मानव के अंदर जनन की अवधि कितनी होती है? 280 दिन की होती है। इस प्रकार से सभी जीव है, सभी जीव के अंदर जनन की अवधि है वो आपके अलग अलग होती है। अब आप जनन की परिभाषा लिख लो, जनन रिप्रोडक्शन है क्या? जनन जनन रिप्रोडक्शन सजीवों द्वारा अपने सम्मान, सजीवों द्वारा अपने सम्मान जीव उत्पन्न करना, सजीवों द्वारा अपने सम्मान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। भाई कोई भी सजीव है वह अपने सम्मान की जीव उत्पन्न करेगा, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, उससे जो जीव का निर्माण होगा, जो संतति उत्पन्न होगी, गाय से गाय का बच्चा ही उत्पन्न होगा, गाय है, भेड़ है, बकरी है, सभी से। तो सजीवों द्वारा अपने सम्मान जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब बात ये क्वेश्चन ये उठता है कि जीव जनन क्यों करते हैं? जैसा मैंने बोला अभी कि जनन क्यों करते हैं, सजीव जनन इसलिए करते हैं अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। या आप क्वेश्चन सेट अप कर लो, अपने कॉपी के अंदर क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, जनन की आवश्यकता क्यों हुई, जनन की आवश्यकता क्यों हुई। जनन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि सजीव है तो सजीव की मृत्यु निश्चित है, एक ने एक की मृत्यु निश्चित है। यदि वह सजीव जनन नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु के साथ ही उसके जाति का अस्तित्व विलुप्त होगी, इसलिए अपने जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। इसका आंसर भी लिख लो, आंसर लिखो, सजीवों की मृत्यु निश्चित है, सजीवों की मृत्यु निश्चित है।
अतः मृत्यु के कारण है। सजीवों के अस्तित्व है, मृत्यु के कारण है। सजीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन है। अपना टॉपिक आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? यानी जन्म होने के बाद जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल को यानी उस अंतराल को ही क्या कहते हैं अपन? जीवन अवधि कहते हैं। जीव की जन्म हो गया, जन्म के बाद में मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तब तक होती है, उसके बीच का अंतर है, उसी अंतर को ही अपन क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो लिखो, सजीव के जन्म से लेकर मृत्यु के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यानी उसके जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जितने दिन वह जीवित रहा, उस अवधि को ही क्या कहा जाता है? जीवन अवधि कहा जाता है। अब यह जीवन अवधि है, यह जीवन अवधि सभी सजीवों की बेटे अलग अलग होती है। एक ही सजीव के एक समान नहीं होती, सभी सजीवों के एक समान नहीं होती। आकार भी कोई निर्धारण नहीं करता। कई सजीवों का आकार है वो आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उनकी जीवन अवधि आपकी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौवा और तोता है, तो उनका आकार लगभग समान है, लेकिन उनकी जीवन अवधि है वो आपकी अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो आकार के आधार पर अपने अब अपने पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उन जीवों की अपन जीवन अवधि देखेंगे कि कौन से जीव की जीवन अवधि है वो आपकी कितनी है। तो एक बार देखो, जीवों में जीवन अवधि के उदाहरण, जीवों में जीवन अवधि के उदाहरण निम्न हैं। इनके अंदर आपको फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट आप देखिए वो हाथी यहां पर लिख लेना आप जीव, और इधर कॉलम बना लेना इसके अंदर जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीव और जीवन अवधि। तो पहला है जैसे बेटे अपना हाथी, तो हाथी की जो जीवन अवधि है वह आपकी 65 वर्ष। सेकंड है, हाथी की जीवन अवधि है वो आपकी 65 वर्ष मानी गई है। अब कोई जरूरी नहीं है वो जल्दी भी आपका मर सकता है, लेकिन आंकलन है वो उसका है, वो 65 वर्ष का है। इसी प्रकार से जैसे बैल
बैल की जीवन अवधि है वो आपकी 20 वर्ष, 20 वर्ष। इसी प्रकार से दर्द है वो आपका घोड़ा, घोड़ा घोड़े की जो जीवन अवधि है वो आपकी 70 वर्ष की है, 70 वर्ष। इसी प्रकार से अगला है कुत्ता, कुत्ते की जीवन अवधि है वो आपकी 15 वर्ष। और अगला है कछुआ, कछुआ इसकी जीवन अवधि है वो आपकी लंबी है 100 से 150 वर्ष। अगला है मगरमच्छ, मगरमच्छ मगरमच्छ की है वो आपकी 60 वर्ष, 60 वर्ष। इसी प्रकार से धान चावल जिसको अपन कहते हैं इसकी जीवन अवधि है वह 4 माह है। अगली है वह आपका गुलाब, दस वर्ष। इसी प्रकार से अगला है कौवा, पंद्रह वर्ष। अगला है तोता, तोता इसकी है 140 वर्ष, 142 वर्ष। और अगला है फल मक्खी, फल मक्खी बरगद, बरगद 300 वर्ष, 300 वर्ष से। आम 50 वर्ष, 50 वर्ष। केला 2 से 3 वर्ष। और तितली, तितली 2 से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते। इसी प्रकार से अगला है पीपल, पीपल 2000 वर्ष, 2000 वर्ष। इस प्रकार से कुछ अपने जीव है और उनकी जीवन अवधि है। अब देखो सभी की जीवन अवधि आपकी एक समान नहीं है, अलग अलग है। और इसी प्रकार से यह है
किसी को अपने मार दिया तो पहले कर सकते हैं, लेकिन ये इसका आंकलन किया गया है, जैसे कोवा है तो कोवे के आपके 15 वर्ष है, जबकि तोता है तोते के 140 वर्ष है, तो आकार के ऊपर निर्भर नहीं है ना, आकार तो कोवा और तोते के दोनों का समान सा ही है, लेकिन ये अंतर है ये इसकी है वो 15 वर्ष आंकलन किए गए है और इसकी 140 वर्ष है वो है आपका आंकलन किया गया है। इन्हीं में से देखो आपका क्वेश्चन इस चैप्टर में से निकल के आता है और जिसको आपको पूछा भी जाता है वह क्वेश्चन है, आप देखो कि आकार के ऊपर निर्भर करते हैं क्वेश्चन, ऐसे कारण का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। क्वेश्चन देखो, किसी भी प्राणी या पादप की आयु उसके आकार पर निर्भर नहीं होती है, उपरोक्त कथन है सत्य है अथवा असत्य क्यों? प्रमाणित कीजिए भाई। यह है इसलिए पूछा है कि किसी भी प्राणी या बालक की आयु उसके आकार पर निर्भर नहीं होती है, ये सत्य है अथवा असत्य? तो आकार के ऊपर निर्भर होती है कि आयु उसके आकार पर निर्भर नहीं होती, तो एक कथन तो अपना सत्य है। जैसे अपने एग्जांपल ये मैंने बताया था, कोवा को तोता है, इनका आकार दोनों का समान सा है, लेकिन क्या इनकी आयु समान है क्या? नहीं है। दोनों की देखो कोवे की आपकी कितनी है, 15 वर्ष है और तोते की 140 वर्ष है, तो अलग अलग है। ये कथन है वो आपका क्या है? सत्य है। तो आंसर भी लिख दो आप इसका, उपरोक्त कथन सत्य है। क्योंकि प्राणी की आयु कथन सत्य है क्योंकि प्राणी की आयु आकार पर निर्भर नहीं होती है, आकार पर निर्भर नहीं होती है। जैसे एग्जांपल भी लिख लो, जैसे कोवा और तोता आकार में समान है, परंतु किसी आयु में लगभग जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर के मरण तक की, मरने के बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को अपन जीवन अवधि कहते हैं। तो सभी जीवों की आपकी अवधि है, जीवन अवधि है, वो आपके अलग अलग है। अब अगला टॉपिक आता है जो अपने पहले पढ़ा था, जीव में जनन की विधियां, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जीव में जनन की विधियां, इसको अपन है वो अगले कालांश के अंदर है।
पढ़ेंगे। थैंक यू।